जी हाँ, आज गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी 2022 की तारीख मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में भी एक नए अनुपम पन्ने के साथ दर्ज हो जाएगी। जी हाँ, आमतौर पर राजधानी भोपाल में रहकर ही मुख्यमंत्री अपना झंडा वंदन करते हैं, लेकिन ये पहला अवसर रहा जब खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर की सरजमी को चुना और यहाँ के नेहरू स्टेडियम से तिरंगे को फहराया, यानी कि राष्ट्रध्वज और झंडा वंदन की परंपरा का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री शिवराज के सामने यूं तो कई झांकियां निकाली गईं, सीधे तौर पर कई विभागीय योजनाओं का संदेश को भी संप्रेषित किया गया, लेकिन सबसे बड़ा अनुपम पहलू जो यहां पर उभर कर आया, जो कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े गणतंत्र दिवस समारोह के तौर पर भी देखा गया, वो ये था कि कोरोना काल के जो तमाम नायक थे, कोरोना काल के जो तमाम हीरोज थे, जो तमाम ऐसे चेहरे थे जो कि कहीं ना कहीं जनता की सेवा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर भी मैदान में डटे रहे और कोरोना वायरस से लड़ी जा रही जंग में अपनी महती भूमिका जिन्होंने निभाई, उन तमाम चेहरों का, उन तमाम नायकों का खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के जिलाधीश मनीष सिंह की मौजूदगी में सम्मान भी किया। जी हाँ, ये बड़ा और अनुपम अवसर था जो कि कहीं ना कहीं हमें ये संदेश दे गया कि कैसे एक चीनी वायरस के खिलाफ जब पूरा देश डटकर मुकाबला करने के लिए खड़ा होता है तो हिंदुस्तान का दिल यानी कि मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं रहता और एमपी का दिल कहा जाने वाला इंदौर भी लगातार अपनी सक्रिय सहभागिता भी इसके साथ में देता दिखाई देता है। आइए जानते हैं कैसा रहा इंदौर में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह। समारोह स्थल को विशेष रूप से सजाया संवारा गया है। समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा राज्य शासन की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित झांकियां निकाली गई। इनमें मुख्य रूप से नगर निगम द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए नवाचार, आवासीय योजनाओं तथा अन्य विकास कामों को लेकर झांकियां निकाली गई। सरकार की संयुक्त परियोजना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को इस झांकी में इंदौर विकास वहीं कोरोना महामारी के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, समाज सेवियों को सीएम ने सम्मानित किया। बरखा के साथ रेडकॉर्ड की मदद से ब्लड कॉल सेंटर का संचालन किया गया। मंच पर हैं शशि सातपुते जी, आपकी कृष्ण सखी संस्था द्वारा गरीब बच्चों को कुपोषण से Thank you.
ध्वजारोहण के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने इंदौर को देश के स्टार्टअप राजधानी बनाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि स्टार्टअप को लेकर ऐसी योजना बनाएंगे कि इनोवेटिव आइडिया रखने वाले युवाओं के पास धन की कमी नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अवसर हम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी गजब की प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में इंदौर के नौजवानों ने अद्भुत रिकॉर्ड बनाए। हम जल्दी स्टार्टअप की नई नीति लाने वाले बेटा बेटियों। अगर तुम्हारे पास इनोवेटिव आइडिया है तो उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए हम ऐसी नीति बनाएंगे कि तुम्हें धन की कमी ना हो। मैं चाहता हूं इंदौर देश के स्टार्टअप की राजधानी बने। सीएम शिवराज ने गणतंत्र दिवस के दिन गरीब वर्ग के लोगों को सौगात देते हुए कहा कि प्रदेश में अब कोई भी कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सरकार हर गरीब को पक्का मकान बनाकर देगी। वहीं मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के तहत जिन लोगों के पास रहने की जमीन नहीं है उन्हें सरकार द्वारा रहने के लिए जमीन दी जाएगी। प्रदेशवासियों के सामने प्रकट करना चाहता हूं, हर गरीब का मकान उसका अधिकार है। हमने 28 लाख मकान अभी तक बनाए ग्रामीण क्षेत्रों में, 5 लाख शहरी क्षेत्रों में बन रहे, लेकिन अपने आवासीय भाइयों और बहनों को आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारी कोशिश है कोई गरीब झोपड़ी में ना रहे और जल्दी उनको पक्का मकान बना के दे दिया जाए। उसलिए गांव हो शहर हो दोनों जगह हम अभियान चलाएंगे। एक और योजना जिसके संकल्प को मैं व्यक्त कर रहा हूं, अगर इस धरती पर भगवान ने पैदा किया है तो इतना हक तो है ही कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसका अपना हो। और इसलिए मध्य प्रदेश वासियों हम अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। इस योजना के अंतर्गत मेरे वो भाई बहन जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको रहने की जमीन का टुकड़ा देके जमीन का मालिक बनाया जाएगा। कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा, आखिर उनको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। जल्दी हम इस अभियान को प्रारंभ कर रहे हैं। शहरों में अगर इतनी जमीन नहीं होगी तो हम मल्टी बना के धीरे धीरे उनको रहने के आवास उपलब्ध कराएंगे। मकान के साथ साथ संकल्प होता है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश से बेरोजगारी को दूर करने के लिए कहा कि प्रदेश में हर महीने कम से कम 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, प्रदेश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। रोजगार दिवस के रूप में हमने मनाया था, हमने तय किया था 1 लाख रोजगार हर महीने देंगे, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि 2 महीने ही में हमने 5,26,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए अलग अलग योजनाओं से ऋण दिलवा के उनकी आजीविका की गाड़ी पटरी पर लेके आए थे। 25 फरवरी के दिन फिर रोजगार दिवस मनाया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं प्रदेशवासियों से, हर महीने कम से कम 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में इंदौर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारी और कर्मचारियों ने समारोह में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज टीवी, इंदौर।